हेलो एंड वेलकम टू ई लर्नर्स। तो देखते हैं आज जून 1, 2018 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो कि एसएससी रेलवेज और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए होंगे, लेकिन ये यूपीएससी लेवल के नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी के लिए अलग से एक वीडियो आएगा वीकली बेसिस पे, ये भी वीकली बेसिस पे ही आएगा, जो कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन उसमें होंगे। तो ये सब एसएससी रेलवेज लेवल के क्वेश्चन वगैरह होंगे। तो मेरा नाम है महेश, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, From which hill of Northeast the Gajyatra has been rolled out by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change? तो कौन सी पहाड़ी है नॉर्थ ईस्ट के जहाँ से गजयात्रा शुरू हुआ है 2018 का? तो ये 18 महीना पहले से यूनियन मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिए थे। तो ये होगा कहाँ से? गारो हिल्स से, मेघालय के गारो हिल्स से ये सब शुरू होंगे। मेघालय कैपिटल शिलोंग है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड शर्मा। तो आप देख सकते हैं इधर मैप में गारो हिल्स, फिर खासी, फिर जयंतिया। तो काफी बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये सब कहाँ पे है, मेघालय पे है, पहली बात। दूसरी बात, अगर थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन बना है तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसको मतलब नॉर्थ से, सॉरी हाँ, वेस्ट से ईस्ट तक इसको सजा ले, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि हैज रिसेंटली लॉन्च स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड इन अलायंस विथ। तो पतंजलि ने ये अलायंस बीएसएनएल के साथ किए है, तो बीएसएनएल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज जॉइंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट्स कॉल्ड नाटो एज ए ग्लोबल पार्टनर? तो दो तरह के होते हैं, परमानेंट मेंबर भी होते हैं नाटो के, ग्लोबल पार्टनर भी होते हैं। ग्लोबल पार्टनर जो हो उनका मिलिट्री का जिम्मा नाटो के ऊपर नहीं रहता, मतलब अगर आप ग्लोबल पार्टनर्स के किसी कंट्री को अटैक करते हैं तो उनका जिम्मा नाटो के ऊपर नहीं रहेगा कि उनको मिलिट्री सपोर्ट दे या मिलिट्री प्रोटेक्शन दे। लेकिन परमानेंट मेंबर जो नाटो के है तो उनका रूल है कि अगर आप एक पे अटैक कर रहे हो, इसका मतलब आप नाटो के सारे मेंबर पे अटैक किए हो, ये माना जाएगा। तो ये ग्लोबल पार्टनर के तहत ज्वाइन किया है, जो कि कोलंबिया ने ज्वाइन किया है अभी। तो कोलंबिया, कैपिटल बोगोता। और कोलंबिया का और एक फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए इनका प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि जुआन मैनुअल संतोस है, वो नोबेल विनर रह चुके पीस प्राइज के। हु हैज बीन अवार्डेड एज इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द सीएट टायर कंपनी, आपको मालूम होना चाहिए सीएट क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड इन मुंबई। तो सीएट क्रिकेटर रेटिंग का जो मुंबई में अभी हाल ही में 2018 में हुआ था, तो विराट कोहली को मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो इससे और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि देख लेते हैं। शिखर धवन को मिला है बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। फिर अफगानिस्तान के एक बॉलर है रशीद खान, उनको मिला है T20 बॉलर ऑफ द अवार्ड। फिर हरमनप्रीत कौर, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का, इनको मिला है आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ऑफ द ईयर का अवार्ड। फिर हमारे पूर्वतन विकेट कीपर जो थे फारूक इंजीनियर, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सीएट क्रिकेटर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू हैव स्केल्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट ऑन 2018? तो ये इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, इनका जो नाम है संगीता भोले, ऑप्शन सी संगीता भोले जो कि इनका नाम है। फिर देखते हैं छठा क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी has recognized which airport as the world's fully solar energy powered? तो ये केरला का एयरपोर्ट है कोचिन, कोचिन का जो एयरपोर्ट है इसको पहली एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है यूएनईपी के द्वारा, जो कि सोलर पावर से चलते हैं। केरला जिसके कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन का सरकार उधर है। तो कोचिन एयरपोर्ट को मिला है फुली सोलर एम्पावर्ड एयरपोर्ट का टैग। फिर देखते हैं, देविका रिवर रिज्यूनेशन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? तो देविका रिवर रिज्यूनेशन प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर का रिवर है, तो जम्मू कश्मीर में ये शुरू हुआ है देविका रिवर रिज्यूनेशन प्रोजेक्ट। बाय व्हिच एक्टर ट्विन पिट टॉयलेट टेक्नोलॉजी हैज बीन एडवर्टाइजिंग अंडर स्वच्छ भारत मिशन? तो आप यहाँ देखिए थोड़ा गौर कीजिए, ट्विन पिट टॉयलेट टेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअली? ऐसे जो हमारे जो टैंकी वगैरह होते हैं टॉयलेट के, दो होंगे इसमें, तो इधर से आप बंद कर सकते हैं, इसके जो पॉइंट है ट्राई जंक्शन पॉइंट, यहाँ से आप क्लोज करके एक में भर सकते हैं, उसके बाद
फिर ये भर्ती हो जाए, फिर दूसरे को भर सकते हैं, जिससे कि ये जो पहले वाला है ये फर्टिलाइजर होने का टाइम इसको मिल जाएगा। ऐसे होता है ट्विन पिट टॉयलेट टेक्नोलॉजी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इसका, तो इसका एडवर्टाइजमेंट जो है ये अक्षय कुमार कर रहे हैं। अक्षय कुमार है इसका आंसर। फिर देखते हैं, अंडर व्हिच प्रोग्राम बीसीसीआई एंड यूएन एनवायरमेंट आर प्रमोटिंग फेजिंग आउट सिंगल यूज प्लास्टिक अक्रॉस स्टेडियम। सिंगल यूज प्लास्टिक जो ज्यादातर हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जैसे सिंगल यूज ग्लास वगैरह हो, प्लास्टिक बॉटल्स हो, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो स्टेडियम पे ना यूज हो, इसके लिए प्रोग्राम बीसीसीआई, तो ये बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया है और यूएन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन क्रिकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को ग्रीन क्रिकेट बोलते हैं। फिर 10th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच स्टेट इज डिप्लॉयड ड्रोन्स एट टोल प्लाजा। तो ये इंडिया में पहली टाइम है कि कोई कहीं भी टोल प्लाजा पे ड्रोन्स लगे हुए। इससे पहले एक बार लेजर लाइट का गुजरात में लगा था, लेजर लाइट चेक करने के लिए टोल प्लाजा पे। अभी ड्रोन्स को लगाया गया है कि अच्छे से निगरानी कर सके। तो ये पंजाब में हुआ है, पंजाब टोल प्लाजा में लगे हुए, पंजाब हाईवे पे। फिर देखते हैं 11th क्वेश्चन, विकास गौड़ा इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स। तो अभी इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है, तो इसलिए ये न्यूज़ पे है विकास गौड़ा, जो कि ये डिस्कस थ्रो प्लेयर है, ठीक है, काफी बार ये खेल चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक भी जीत चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका फोटो से। तो विकास गौड़ा जो है डिस्कस थ्रो से रिलेटेड था। बिटवीन व्हिच कंट्रीज 13th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हैज बिगन एट पिथौरगढ़ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में जो शुरू हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, नाम याद रखना चाहिए, काफी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज पूछते रहते हैं, कभी एयरफोर्स के पूछ लिए, कभी नेवी के पूछ लिए। तो सूर्य किरण जो है वो नेपाल के साथ शुरू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, केपी ओली है, अभी प्राइम मिनिस्टर बने, नए न्यूज में है, अभी इंडिया में आए भी थे। तो इंडिया एंड नेपाल के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है 13th एडिशन उसका शुरू हो गया है, जिसको सूर्य किरण बोलते हैं। फिर 13th क्वेश्चन देखते हैं, Which company has crossed alphabet company in the market capitalization and become the third most valuable firm after Apple and Amazon? तो पहली वैल्यूएबल फर्म कौन सा है? एप्पल, उसके बाद अमेज़न, फिर अल्फाबेट था। अल्फाबेट जो है ये गूगल के पेरेंट कंपनी है, गूगल इसकी सब्सिडियरी कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट कंपनी। तो इसको किसने क्रॉस कर लिया? इसको क्रॉस कर लिया माइक्रोसॉफ्ट ने, आपको पता ही है इसका सीईओ एक इंडियन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने गूगल को क्रॉस कर लिया, सॉरी अल्फाबेट को क्रॉस कर लिया और थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट वैल्यूएबल फार्म बन गया। फिर देखते हैं, पांडुरंग फुंदकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड। तो जो पांडुरंग फुंदकर है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के, तो एक एमएलए भी थे, पॉलिटिक्स से इनके बेटे भी एमएलए है, तो पांडुरंग फुंदकर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ऑबिचुअरी से क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18, तो अभी हाल ही में रिलीज हुआ है 2 तारीख या 3 तारीख को, तो इंडिया का जो फोर्थ क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ था वो काफी अच्छा रहा, 7.7% रहा। हाल ही में बहुत खराब चल रहा था जीडीपी ग्रोथ, और इसके साथ ही फाइनल हो गया, एक ईयर में 4 जीडीपी क्वार्टर्स रहते हैं, तो फाइनल जो जीडीपी मतलब सारा ईयर का मिला के रहा 6.7% रहा, लेकिन फोर्थ टर्म का जो था या फोर्थ क्वार्टर का जो था जीडीपी वो बहुत ही अच्छा रहा 7.7% पे। फिर देखते हैं 16th क्वेश्चन, व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज इंडियन मिल्क डे। तो इंडियन मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये न्यूज में इसीलिए आया क्योंकि हाल ही में जून 1 को वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया गया। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो है 1 जून है, लेकिन इंडियन मिल्क डे जो है ये 26 नवंबर को पाला जाता है। 26 नवंबर इसका राइट आंसर। तो 26 नवंबर को क्यों पाला जाता है? क्योंकि मिल्कमैन ऑफ इंडिया, या फिर जिसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक बोल सकते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनके दो इनके बर्थडे है 26 नवंबर, इसलिए 26 नवंबर को हम इंडियन मिल्क डे पालन करते हैं। 17th क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया अपना स्टेट एनिमल और स्टेट फ्लावर को, तो इनमें से कौन सा है वो? तो इसका जो आंसर है टाइगर और
ली, ये दोनों है आंध्र प्रदेश के स्टेट एनिमल और स्टेट फ्लावर फ्लावर। इसके अलावा नीम है स्टेट ट्री, और रोज रिंग परकित वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट बर्ड। फिर देखते हैं 18th क्वेश्चन, व्हिच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है ये मई 31 है, वर्ल्ड नो टोबैको डे मालूम होना चाहिए आपको। तो मई 31 हैज बीन ऑब्जर्व एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। फिर देखते हैं द लास्ट मैच ऑफ आईपीएल 2018, आपको पता ही है चेन्नई इस साल आईपीएल ले लिए सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के। तो आईपीएल का जो लास्ट मैच था वो कहाँ पे हुआ? तो इसका लास्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई पे हुआ है, और इसका फर्स्ट मैच भी यहाँ से शुरू हुआ था वानखेड़े स्टेडियम से। तो याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा, फर्स्ट मैच और लास्ट मैच दोनों ही मुंबई स्टेडियम पे खेला गया था। फिर देखते हैं उबर कप 2018, ये कौन सा टीम है जिसने उबर कप 2018 का जीता है? तो उबर कप बेसिकली देते किस लिए, किस खेल से शुरू संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है उबर कप। तो इस साल जापानी वोमेन ने थाईलैंड को हरा कर ये कप जीता है, और जापानी वोमेन ने थाईलैंड को हराया, और इसका जो वेन्यू था उबर कप 2018 का ये थाईलैंड में ही था। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम जिसने जीता है वो था चाइनीज वोमेन टीम, और जापानीज वोमेन टीम ये काफी अर्से बाद जीता है, तकरीबन 37 ईयर्स। फिर देखते हैं 21st क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है नशीर उल मुल्क, जो कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इससे पहले कौन थे? शाहिद खाकान अब्बासी। पाकिस्तान में भी चुनाव आने वाला है, तो ये जो नशीर उल मुल्क है ये पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हैज बीन इनॉगरेटेड एट। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का ये 9th एडिशन है, अभी उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसका आंसर हो गया उत्तराखंड, इससे पहले जो था वो बैंगलोर पे था 8th एडिशन। तो उत्तराखंड कैपिटल देहरादून। फिर देखते हैं 23rd क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विल बी होस्टेड बाय हुइच कंट्री। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो गया जून 5 को, ये इंडिया का द्वारा होस्ट किया गया, और इसका थीम जो था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए द सासा, ऐसे ऐसे सासा आपको इसका फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। सासा आपको मतलब क्या होता है? स्टार्ट, अवेयरनेस, सपोर्ट, फिर एक्शन। तो सासा अप्रोच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर रेजिंग वॉयस अगेनेस्ट। तो किसके विरुद्ध में ये सासा अप्रोच जो लिया जाता है, बेसिकली ये लिया जाता है, एक तो है एचआईवी, इसका पहला जो रीजन है एचआईवी, और उसके बाद है वायलेंस अगेनेस्ट वोमेन। तो इसके लिए लिया जाता है, आपको पहले स्टार्ट करना है, मतलब आपको चुनना है कि कौन से रीजन में ये सब हो रहा है, फिर आपको उस रीजन के लोगों को आवार करना चाहिए, फिर सपोर्ट देना चाहिए जिसके साथ भी जो भी कुछ खराब हुआ है वायलेंस वगैरह, फिर एक्शन लेना चाहिए लीगल हो या जो भी। तो ऐसे होते हैं सासा अप्रोच, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर इसका जो कहाँ पे शुरू किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था सासा अप्रोच, जापान में भी एक बार हो चुका है। फिर देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव इश्यूड ए 100 ईयर मैच्योरिटी बॉन्ड। 100 ईयर मैच्योरिटी बॉन्ड बेसिकली तो ये प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट करती है। तो 100 ईयर मैच्योरिटी बॉन्ड जो हाल ही में दिया गया है अर्जेंटीना और मेक्सिको ने लॉन्च किया है। तो अर्जेंटीना भी हो गया, मेक्सिको भी हो गया इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द मालाका स्टेट पेट्रोल्स। तो मालाका स्टेट देखिए इधर मैप में देखिए, तो ये ऊपर हो गया मलेशिया सिंगापुर, और नीचे जो हो गया ये इंडोनेशिया हो गया। ये इंडोनेशियन पूरा आइलैंड है, ये जो इंडोनेशिया पूरा आइलैंड का समूह है ये इंडोनेशिया है। इसके बीच में जो है इसको मलाका स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, काफी नैरो पासेज है, और यही एक एंट्री पॉइंट है साउथ चाइना सी में एंट्री करने के लिए, चाइना यहाँ से जाता आता करता है। तो मलाका स्ट्रेट पेट्रोल में कौन कौन मेंबर कंट्री है? तो देखिए इंडोनेशिया होगा ऑब्वियसली, और सिंगापुर भी होगा,
लेकिन मलेशिया भी है और थाईलैंड भी इसमें है। तो थाईलैंड आप इधर ऊपर देख सकते हैं, इधर है थाईलैंड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे है मतलब कस्टर्ड पेट्रोल के मेंबर कंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडोनेशियन आइलैंड इन हुई इंडिया गॉट मिलिट्री एक्सेस फॉर डॉकिंग? तो देखिए ये जो सारे आइलैंड है हाल ही में न्यूज में रहे हैं किसी ना किसी कारण पे। तो दुकम जो है ये ओमान का एक आइलैंड है, दुकम आइलैंड। फिर आजमशन आइलैंड जो है ये शेचिल्स का है। फिर शाबांग जो कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, शाबांग ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। चागोस जो है ये फिलीपींस का आइलैंड है। तो ये सारे आइलैंड जो है न्यूज में थे, इंडियन मिलिट्री को एक्सेस मिले हुए हैं, तो शाबांग आइलैंड पे मिला है इंडोनेशिया का। तो शाबांग इधर देख सकते हैं, शाबांग आइलैंड जो है अभी मैं तो दिखाई नहीं गया लेकिन पॉइंटर को मार्क कीजिए, इधर है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है शाबांग आइलैंड इंडोनेशिया का। फिर 28th क्वेश्चन देखते हैं, अगालेगा आइलैंड वेयर इंडियन मिलिट्री गॉट एक्सेस रिसेंटली, ये कौन से कंट्री पे है? अगालेगा तो आपको मैप पे दिखाई होगा, मॉरिशियस जो है कंट्री है इंडियन ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में मॉरिशियस कंट्री। यहाँ पे इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो मॉरिशियस आइलैंड, मॉरिशियस का ये भी एक आइलैंड कंट्री है और इसका एक आइलैंड है इधर देखिए अगालेगा आइलैंड्स। तो इसमें मिल गए इंडियन मिलिट्री को एक्सेस अपने मिलिट्री डॉक करने के लिए, नेवी डॉक करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो गया मॉरिशियस अगालेगा आइलैंड। फिर देखते हैं 29th क्वेश्चन, अग्नि 5 हैज बीन टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। इसका जो पहला नाम था अब्दुल कलाम आइलैंड का, व्हीलर आइलैंड था। तो ये चांदीपुर में है ओडिशा के। तो व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ अग्नि 5? अग्नि 5 का स्ट्राइक रेंज कितना है? तो ये अग्नि 5 का स्ट्राइक रेंज जो है 5,000 किलोमीटर तक बात कर सकती है। फिर देखते हैं 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बीच दैट गॉट फर्स्ट ब्लू फ्लैग टैग इन एशिया? तो ब्लू फ्लैग टैग बेसिकली दिया किस लिए जाता है? अगर बीच का मेंटेनेंस वगैरह, प्लास्टिक पॉल्यूशन वगैरह अच्छे से हो, बीच पॉल्यूशन फ्री हो, बेसिकली प्लास्टिक को लेके, तो बीच को दिया जाता है ब्लू फ्लैग टैग। तो एशिया में फर्स्ट टाइम दिया गया है जो कि चंद्रभागा बीच है। आंसर हो गया इसका चंद्रभागा बीच। ये कहाँ पे? ओडिशा में है, ओडिशा का कोणार्क पे है ये बीच, सेंटेपुर के पास ही है, 3-4 किलोमीटर है वहां से। तो चंद्रभागा बीच हो गया इसका आंसर। फिर देखते हैं, Which day has been observed as World Bicycle Day? इस साल से शुरू हुआ है, यूएन ने अभी अप्रैल मई में ही परमिशन दिया है कि आप जून से शुरू कर सकते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो ये यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन पे ही है, 3rd जून शुरू किया गया है, 3rd जून सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे की तहत। फिर देखते हैं 32nd, Who has sworn as the Prime Minister of Italy? तो इटली के जो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर, अभी इलेक्शन हुआ था इटली में, तो इनका जो प्राइम मिनिस्टर अभी चुने गए हैं ये है गिजी गिजीपी कोंते। तो इन्होंने हराया है पाउलो जेंटिलोनी को, पाउलो जेंटिलोनी को हराकर अभी इलेक्शन में जीते। पाउलो जेंटिलोनी अभी हाल ही में इलेक्शन से पहले ही इंडिया आए थे। तो गिजीपी कोंते जिन्होंने इलेक्शन जीता है, इटली कैपिटल है रोम। 33rd क्वेश्चन देखते हैं, Which state has celebrated its formation day 2nd June 2018? तो ये इनका फोर्थ फॉर्मेशन डे है, फाउंडेशन ईयर भी बोल सकते हैं, फाउंडेशन डे भी बोल सकते हैं। तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो तेलंगाना सेलिब्रेट किया अभी अपना फाउंडेशन डे 2nd जून को। तेलंगाना इसका कैपिटल जो हैदराबाद है, हैदराबाद हालांकि अभी ज्वाइंट कैपिटल है क्योंकि आंध्रा भी अपना कैपिटल डेवलप कर रहा है अमरावती पे। Who has been awarded the most inspiring icon of the year for social welfare award Dada Saheb Phalke International Film Festival for his exemplary contribution in the field of social welfare? तो किसको मिला है जो मोस्ट इंस्पायरिंग आइकन का अवार्ड मिला है क्योंकि सोशल वेलफेयर काम बहुत सारे किया इन्होंने? तो ये है युवराज सिंह, अच्छे बैट्समैन है युवराज सिंह है, जिनको ये अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे। फिर देखते हैं 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया? अभी एक न्यूज आया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि पैसेंजर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन हो, इनका जो स्पीड वगैरह है ये सब बढ़ाई जाएंगी। तो बेसिकली पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना रहता है? नॉर्मली 40 से 45 के अंदर रहता है, 44 है इसका आंसर। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड जो है 44 किलोमीटर पर आवर।
और गुड्स ट्रेन का स्पीड जो रहता है अराउंड 25 किलोमीटर रहता है, 24-25 किलोमीटर। तो इनको बढ़ाने की एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से न्यूज आया है कि ये जो 44 किलोमीटर है इसको बढ़ा के वो और 25 किलोमीटर इसमें ऐड करेंगे, मतलब और बढ़ा देंगे। तो इसीलिए हाल ही में न्यूज में था, तो इसका आंसर हो गया 44 किलोमीटर। गुड्स ट्रेन का भी आपको याद रखना है, उसका है 24 किलोमीटर। Which operation was carried out in Socotra Island to evacuate stranded Indians? अभी सोकोत्रा आइलैंड पे अभी तूफान आया था, तो इसलिए उसमें काफी प्रॉब्लम हुआ था, तो इंडियन नेवी जाके वहां से इंडियंस को रिलीफ दिए। तो सोकोत्रा आइलैंड का जो ऑपरेशन था उसको ऑपरेशन निस्तार कहा जाता है, ठीक है? एक ऑपरेशन सारे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये कैक्टस भी अभी न्यूज में था, क्योंकि कैक्टस ऑपरेशन तो बहुत पुराना है लेकिन अभी न्यूज में हाल ही में आया था। ये मेल्डिव्स में किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जब वहां पे कू करने की कोशिश की गई थी मेल्डिवियन आर्मी के द्वारा, तब मेल्डिव्स में इंडिया ने ये किया था 1988 में शायद, 1988 में। और ऑपरेशन शक्ति जो है, अभी एक मूवी भी रिलीज हुआ है इसके ऊपर, ऑपरेशन शक्ति, ये पोखरान में न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर ये है। और ऑपरेशन मेघदूत जो है, जब इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने सारे मिलके सियाचिन ग्लेशियर पर भी जाए पाए थे, उस टाइम का था ऑपरेशन मेघदूत, उससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन सारे याद रखना चाहिए, कब कौन सा आ जाए याद नहीं, अभी तो करंट न्यूज में जो है ऑपरेशन निस्तार है। तो सोकोत्रा आइलैंड जो है इधर देख सकते हैं आप, सोकोत्रा आइलैंड तो ये येमेन का पार्ट है एक्चुअली। फिर देखते हैं, द ब्राजाविल डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड टू प्रोटेक्ट व्हिच इकोसिस्टम? ब्राजाविल डिक्लेरेशन अभी हुआ था, डीआरसी आरसी ये सब इसके मेंबर थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और एक कंट्री था जो कि इंडोनेशिया, ये तीनों ने मिलकर ब्राजाविल डिक्लेरेशन साइन किया। ब्राजाविल बेसिकली है का, ब्राजाविल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है ब्राजाविल, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी उसमें था। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है किंशासा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का तो बता ही दिया ब्राजाविल, और इंडोनेशिया भी इसमें था, कैपिटल जाकर्ता। तो ये किससे रिलेटेड था, किस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात चल रहा था ब्राजाविल डिक्लेरेशन पे? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, ब्राजाविल डिक्लेरेशन पेटलैंड से रिलेटेड है। पेटलैंड्स एक तरह के वेटलैंड्स ही होते हैं, तो बेसिकली कार्बन सोख के रखते हैं पेटलैंड्स, तो इसको प्रोटेक्ट करने का था। फिर देखते हैं, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट इन द स्टेट कॉल्ड गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना? तो गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है कौन से स्टेट में शुरू किया गया? तो अगर आपको पता है इसका मतलब तो हो ही जाएगा, सांबादिक, सांबादिक का मतलब ही है, ये ओडिया लैंग्वेज में सांबादिक का मतलब होता है जर्नलिस्ट। तो ये जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया है, तो ये ओडिशा का एक स्कीम है, ओडिशा का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, बीजेडी सरकार है उधर, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तकरीबन 2 लाख का रिकवरी है इसमें जर्नलिस्ट के लिए। फिर देखते हैं, 39th क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन भीम, रुपे और यूपीआई एनेबल्ड रेमिटेंस ऐप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन व्हिच कंट्री? तो अभी मोदी आशियन टूर पे थे, तो सिंगापुर में ये सब लॉन्च हुआ है। रेमिटेंस जो है हमारे देश में जो बाहर से पैसे भेजते हैं लोग काम करके, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया इसमें फर्स्ट कंट्री है, मतलब सबसे आगे है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस हम भेजते हैं बाहर से, फिर चाइना है। तो ये जो लॉन्च किया गया है भीम, रुपे, यूपीआई इनेबल्ड एप्लीकेशन सब रेमिटेंस के लिए, ये सब लॉन्च किया गया है सिंगापुर में, 3 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए सिंगापुर से। सिंगापुर से हमारा एक एमओयू भी साइन हुआ है, आगे देखेंगे। आउट ऑफ 8 कोर सेक्टर्स इन इंडिया, व्हिच सेक्टर ग्रोन एट फास्टेस्ट पेस? तो सारे जो कोर सेक्टर है आपको पता होना चाहिए, 8 कोर सेक्टर होते हैं, तो उसमें से जो कौन सा कोर सेक्टर है जो कि सबसे स्पीड पे ग्रो किया है? जो सीमेंट का प्रोडक्शन है, तकरीबन 16%, 16-17% ग्रोथ किया है सीमेंट का प्रोडक्शन में, तो सीमेंट प्रोडक्शन है। और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, ये हमारा हाल ही में मतलब इसका एक डिक्लेनेशन हुआ, बाकी सारे सेक्टर ग्रोथ किए लेकिन ये ग्रोथ नहीं किया, ये नेगेटिव ग्रोथ दिखाया इस साल। तो सीमेंट प्रोडक्शन है जो कि सबसे स्पीड पे ग्रोथ हुआ है। फिर देखते हैं, ये दिया गया है, देखिए चार्ट भी दिया गया है, कोल प्रोडक्शन जिसका ग्रोथ रेट है +2.6%, ऐसे देख सकते हैं आप। तो जो सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है सीमेंट, जो कि 16.6% है, उसके बाद है नेचुरल गैस, फिर है फर्टिलाइजर्स, ये सारे ग्रोथ है।
पॉजिटिव ग्रोथ दिखा है, लेकिन जो क्रूड ऑयल है इसका जो ग्रोथ है ये नेगेटिव ग्रोथ दिखा है 0.8% पे। फिर देखते हैं 41st क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो देखिए ये सारे जो है गवर्नर सी है, डेप्यूटी गवर्नर सी आरबीआई के। तो अभी जो डेप्यूटी गवर्नर जो हाल ही में हुए, फोर्थ पोजिशन खाली था, वैकेंट था बहुत दिनों से, तो अभी जो फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर बने हैं ये महेश कुमार जैन है, एमके जैन बोल सकते हैं। तो ये बने फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर, ये पहले पंजाब नेशनल बैंक पे काम किए थे, फिर आईडीबीआई पे भी काम किए। तो ये बने हैं डेप्यूटी गवर्नर। ये बाकी जो एन एस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, वीरल आचार्य, ये भी डेप्यूटी गवर्नर ही है आरबीआई के। एक गवर्नर रहते हैं, फिर चार डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं। तो गवर्नर जो है उर्जित पटेल, ये तो आपको पता ही होगा। फिर देखते हैं 42nd क्वेश्चन, रिसेंटली ए तास डिक्लेरेशन हैज बीन साइंड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट महेश शर्मा, यूएन एनवायरमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक शोएम, ये भी अभी इंडिया के विजिट में थे, और यूनाइटेड नेशन के एनवायरमेंटल प्रोग्राम के जो इंडिया का गुडविल एम्बेसडर है डिया मिर्जा, ये सब थे डिक्लेरेशन साइन के वक्त। तो इन्होंने मिलकर ताज डिक्लेरेशन साइन किया है, ताजमहल ताज डिक्लेरेशन। तो ये किससे है? तो ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट आगरा पॉल्यूशन फ्री, नहीं ताज डिक्लेरेशन का आगरा आगरा से पूरा टोटल रिलेटेड नहीं है ये, सेफगार्ड विजिटर्स ऑफ ताजमहल नहीं, फिर टू मेक 500 मीटर एरिया नियर ताजमहल प्लास्टिक फ्री, ये है इसका आंसर। तो 500 मीटर एरिया अराउंड ताजमहल, तो उसको सेफगार्ड करने का जो डिक्लेरेशन है इसको ताज डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली आगरा उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, तो उससे रिलेटेड है प्लास्टिक पॉल्यूशन से। अभी हाल ही में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हुआ, उसी से रिलेटेड है ये न्यूज भी, उससे रिलेटेड है। फिर देखते हैं 43rd क्वेश्चन, रिसेंटली हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन व्हिच टू सिटीज। तो हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस रिसेंटली हाल ही में काफी बार न्यूज में रह चुका है, एक बार बैंगलोर में भी हुआ है, लेकिन वो मतलब इंटरसिटी नहीं है, वो बस बैंगलोर से, बैंगलोर के सिटी से एयरपोर्ट तक टैक्सी सर्विस शुरू हुआ है बैंगलोर में, लेकिन अभी दो शहरों के बीच में हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू हो चुका है। ये जो हुआ है शिमला और चंडीगढ़ में शुरू हुआ है, शिमला और चंडीगढ़। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, और चंडीगढ़ तो पता ही है पंजाब हरियाणा का कैपिटल है। तो शिमला और चंडीगढ़ के बीच में हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखते हु हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ सखी सुरक्षा एडवांस डीएनए फोर्सेनिक लेबोरेटरी इन द कैंपस ऑफ सेंट्रल फोर्सेनिक साइंस लैब चंडीगढ़। तो सखी सुरक्षा एडवांस डीएनए फोर्सेनिक लैब सेंटर किसने उद्घाटन किया है? इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है मेनका गांधी जी, उन्होंने ये सब किया है। सखी सुरक्षा एडवांस डीएनए फोर्सेनिक लेबोरेटरी, ये टर्म आपको याद रखना चाहिए, मेनका गांधी जी ने किया है। फिर देखते हैं व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू प्लांट 1 मिलियन पाम ट्री, खजूर के पेड़ होते, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइटनिंग। आपको पता ही है खजूर के पेड़ जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो वो आपको लाइटनिंग से बचा सकते हैं। इसलिए ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया कि अभी 1 मिलियन पेड़ वो लगाएंगे जाकि लाइटनिंग से उनको प्रोटेक्शन मिल सके। फिर देखते हैं व्हिच कंट्रीज इन्विटेशन हैज बीन कैंसल्ड फ्रॉम रिमपैक, रिमो पैसिफिक एक्सरसाइज होते हैं, बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है वर्ल्ड का, बींग हेल्ड एट हवाईयन आइलैंड एंड साउथ कैलिफोर्निया। तो इसमें यूएस ने कैंसिल कर दिया, चाइना का इन्विटेशन, पहले इन्वाइट किया फिर उनको कैंसिल किया, तो इसलिए ये काफी सारा न्यूज में था। रिमपैक 2018 से चाइना का इन्विटेशन जो है वो कैंसिल हो गया, यूएस ने किया। इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना उसमें बहुत ही अग्रेसिव रोल प्ले कर रहा है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि नहीं आपको इनवाइट किया गया पहले, फिर बाद में इनविटेशन वापस ले गया था। फिर देखते हैं 47th क्वेश्चन, रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडिया हैव साइंड एमआरए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। तो मैंने बताया कि सिंगापुर के साथ हुआ है एक हमारा एमआरए साइन हुआ है सिंगापुर के साथ। तो एमआरए और एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट में फर्क क्या है? एमआरए बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में ही साइन किया जाता है, जैसे कि मतलब हमारा डिग्री वहाँ पे वैलिड होगा, वहाँ का डिग्री हमारे यहाँ पे वैलिड होगा, तो ये होता है एमआरए। और एमओयू गवर्नमेंट के अलग अलग क्षेत्र में यूज होते हैं, जैसे कि मानो कि एमओयू प्रोडक्शन है या फिर कुछ टेक्नोलॉजी में हेल्प करना है, तो फिर एमओयू साइन होता है। ठीक है, अगर डिग्री रिकॉग्निशन के बात आ गए तो ये होता है एमआरए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, सिंगापुर के साथ साइन हुआ है अभी। फिर देखते हैं
चापचारकूट फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? चापचारकूट फेस्टिवल, तो चापचारकूट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम में किया जाता है, तो इसका आंसर तो हो गया मिजोरम। तो ये होता किस लिए एक्चुअली, ये बेसिकली वहाँ पे जो झूम कल्टिवेशन टाइप के जो फॉलो किया जाता है, उसके पेड़ फेड़ काटने के बाद, जंगल सफाई करने के बाद, तब होता है ये फेस्टिवल मिजोरम। तो मिजोरम का कैपिटल आइजोल को याद रखना चाहिए, चीफ मिनिस्टर जो है लाल थनवाला, सॉरी इसका रॉन्ग मार्क किया, मिजोरम है ये। फिर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आसाम अकॉर्ड द माइग्रेंट्स एंटरिंग आफ्टर व्हिच ईयर हैव टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया और डिपोर्टेड फ्रॉम आसाम, तो ये 1971 है। तो 1971 के बाद जो भी माइग्रेंट आसाम में घुसे हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, यही है आसाम अकॉर्ड। फिर देखते हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाप्ता। तो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का अभी हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट कौन किए गए हैं, तो इनका नाम है पीपा हैरिस, पीपा हैरिस है, फोटो देख सकते हैं आप इनका। फिर देखते हैं, ए बुक हैज बीन रिटन बाय फॉर्मर रॉ के चीफ जो है, जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआई, असद दुरानी डायरेक्टर जनरल है, और रॉ के जो है एएस दुलत, ये दोनों ने मिलकर एक बुक लिखा है। तो बुक का फोटो तो इधर दिया ही हुआ है। तो ये जो बुक है हाल ही में बहुत न्यूज में रहा है, इसको आप याद रखिए, नाम है द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस, एएस दुलत और असद दुरानी के द्वारा लिखा गया बुक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ये नाम भी आपको याद रखना है। What is the theme of the Financial Literacy Week 2018 conducted by RBI? तो RBI जो Financial Literacy Week conduct कर रहा था हर साल, उसका 2016 से conduct हो रहा है ये, तो इसका इस साल का theme क्या है 2018 का? तो 2018 का जो theme है ये है Customer Protection, नीचे वाला भी याद रखना है, ये 2017 का theme है No Year Customer, तो जून 4 से 8 तक चल रहा है। Events International Day of Innocent Children Victim of Aggression is observed on, तो जो child के ऊपर जो mental या physical या emotional जो भी torture होता है उसके खिलाफ में एक event का day celebrate किया जाता है, तो ये 4th June को celebrate होता है, ठीक है। 54th question देखते हैं, recently एक movie release हुआ है रजनीकांत स्टारर, तो वो मूवी एक्चुअली कावेरी डिस्प्यूट के ऊपर है, तमिलनाडु का सपोर्ट किया गया इसलिए कर्नाटक में भारी विरोध है इस मूवी के ऊपर। तो ये मूवी का नाम क्या है, रजनीकांत इसके स्टार है, और ये जो मूवी है ये जो प्रोड्यूसर है धनुष है, जो कि रजनीकांत के मतलब जमाता है। तो ये मूवी जो है काला, मूवी का नाम है काला। Who has won international award in the category of best caricature? Caricature जो है कार्टून आर्टिस्ट को बोलते हैं। Caricature at the 13th edition of World Press Cartoon Award 2018. तो कौन है जो कि international award इनको मिला है इसको? इनको तो ये है रघु पांडुरंग, इनका सॉरी ये है थॉमस एंटनी जो है इनको मिला है ये अवार्ड, ये इनका फोटो थॉमस एंटनी। On which river is proposed Pancheshwar multipurpose project to be constructed? Pancheshwar multipurpose project जो है कौन से river पे ये construction होना है? तो इसका जो answer है महाकाली river। तो काफी बार ये question घुमा भी सकते हैं, लेकिन महाकाली का जो original name है वो है सरदार river, या फिर इसको काली गंगा भी बोला जाता है, उत्तराखंड में है ये river, नेपाल को बहती है उत्तराखंड से। तो इस river के ऊपर एक Pancheshwar multipurpose dam का project है। 57th question देखते हैं, साइंटिफिक टर्म फॉर लो वेट फॉर हाइट, आपके हाइट के हिसाब से आपके वेट अगर कम हो तो उसके लिए साइंटिफिक टर्म क्या होता है? देखिए एक तो होता है स्टंटिंग होता है अलग चीज। स्टंटिंग जो है इसका मतलब है आपके एज के हिसाब से आपके हाइट ठीक है या नहीं, लेकिन अगर आपके वेट पूछ रहा है हाइट के हिसाब से तो ये हो जाएगा वेस्टिंग बोलते हैं इसको, और ओबेसिटी आपको पता ही होना चाहिए ये वेट से रिलेटेड है, ज्यादा खाने पीने से मोटापा जो है उसको ओबेसिटी बोलते हैं। तो अब ये न्यूज में था, रिपोर्ट आया है
इंडिया जो है वेस्टिंग चिल्ड्रन काफी सारे है, इंडिया पहले नंबर पे है वेस्टिंग चिल्ड्रन पे। फिर देखते हैं हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 73rd यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो 73rd प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है ये कौन है, तो ये है मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा। ठीक है, ये है यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। बाकी सारे जो ऑप्शन है क्रिस्टियन लगार्डे, रॉबर्टो अजेविदो, टेड्रोस अदानम, ये भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। क्रिस्टियन लगार्डे जो है वो IMF के प्रेसिडेंट है। फिर रॉबर्टो अजेविदो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के है, और टेड्रोस अदानम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के है। वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही जेनीवा में है स्विट्जरलैंड। और क्रिस्टियन लगार्डे जो है ये IMF के प्रेसिडेंट है, जिसका हेडक्वार्टर है Washington DC। देखते हैं तो ये जो मारिया एस्पिनोजा है ये कौन थे एक्चुअली, ये इनका नेशनलिटी क्या है, इक्वेडर है, इक्वेडर के फॉरेन मिनिस्टर थे ये। हु वाज शोर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, तो इसमें जो जीते हैं वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है प्रेसिडेंट है, ये इनका सेकंड टर्म है इजिप्ट में, 4 साल का रहता है। इजिप्ट कैपिटल कायरो है। तो देखिए मून जे इन ये तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर है। इमान 60th क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग बोथ हिमालयन एज वेल एज कोस्टल इकोसिस्टम। तो ये वेस्ट बंगाल है इसका आंसर, जो जिनका पास की दोनों है, हिमालयन रीजन भी है। देखिए हिमालय यहाँ से तकरीबन पूरा ऐसे चला गया, तो वेस्ट बंगाल के पास पड़ते हैं इधर, और वेस्ट बंगाल जो है कोस्टल रीजन से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इनके पास दोनों इकोसिस्टम है, हिमालयन इकोसिस्टम भी है और कोस्टल इकोसिस्टम भी है। सोलिबेसिलस कैलमी इज ए बैक्टीरिया नेम्ड आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। टिल डेट इट हैज बीन फाउंड ओनली इन, कहाँ पे ये फाउंड किया गया है ये आप फोटो में देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें ये बैक्टीरिया मिलते हैं, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इनको ज्यादातर ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, पर यहाँ पे मिलते हैं ये पृथ्वी पे नहीं मिलते ये बैक्टीरिया। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 1988 को लॉन्च किया गया था, तो आज के लिए इतना ही। जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर इतना ही रिवाइज कर लिया, आप ये काफी है, फिर सेकंड वीक थर्ड वीक कैसे आएगा एक एक वीडियो। और UPSC के जो एस्पिरेंट्स है वो लोग UPSC के और अलग से करंट अफेयर का सीरीज आएगा, उसमें आप देखिए काफी अच्छे करंट अफेयर उसमें है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।